नमस्कार, मैं तरुणा सेठी सिंपली ब्यूटीफुल से आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेके हाजिर हुई हूँ। आज हम टेबल मैट और एक टेबल रनर बनाएंगे। ये जो ब्लॉक है इसको पिन व्हील कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी फिरकी की तरह है। हमारे सबके घर में सिलाई मशीन है और उसी तरह से कैंची, मेजरिंग टेप, ये सारी चीज़ें हमेशा हमारे पास हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और एडवांस्ड वे से बनाना चाहते हैं, थोड़ा और प्रिसिशन से और महीनता से, तो कैंची है और कैंची के बदले हम रोटरी कटर यूज़ करते हैं। उसी तरह से रूलर्स हैं। अगर हम रोटरी कटर और रूलर्स यूज़ करते हैं तो हमें कटिंग मैट भी रखनी पड़ती है, क्योंकि हमारी कटर उसके ऊपर चलती है। उसके अलावा टू मेक एन इंट्रिकेट ब्लॉक या सुंदर ब्लॉक फिनिश के लिए हमको आयन हर स्टेप पे करना पड़ता है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी टेबल मैट बनाने से। हमने पहला कपड़ा लिया। हमारे चारों कपड़े जो चार अलग अलग कलर्स और डिज़ाइंस के हैं, जोड़े हैं, एक्चुअली नेवी ब्लू के जोड़े हैं और रेड के जोड़े हैं, हम उनको एक साइज़ का काट लेंगे। हमेशा की तरह हम पहले साइड को ट्रिम कर लेंगे। हमने अच्छे से कपड़ा तह करके नीटली लगा दिया है और अब हम उसको एकदम सीधी और सरल तरीके से ट्रिम करेंगे। अब हमको जो साइज़ चाहिए वो है 4 इंच का पट्टा। तो मैंने ये 4 इंच के उस पर मेजर करके ये दोनों लाइंस को मिला के रूलर पे प्रेशर रख के इसको काट लिया। अब हम हर पट्टे के, जैसे ये कटा हुआ है हमारे पास 4 इंच का पट्टा, अब हम इनके स्क्वायर्स बना देंगे। 4 इंच बाय 4 इंच का स्क्वायर बना देंगे। याद रखिएगा, मैं हमेशा दोहराती हूँ कि सेल्वेज, जो बॉर्डर बोलते हैं, जो किनारा बोलते हैं कपड़े का, उसको ज़रूर ट्रिम कर लीजिएगा। ये काट लिया और अब जैसे मैंने आपको कहा, 4 इंच का जो मेरे को स्क्वायर चाहिए, 1, 2, 3 और 4, तो मैं उसको उस हिसाब से काट लूँगी। ये अलग अलग मैंने कलर्स के स्क्वायर्स तैयार कर लिए थे, क्योंकि ये जोड़े हैं तो मैंने इनको साथ में तैयार कर दिया है। ये ब्लू के साथ है इस तरह से। अब हम इसका जो ये ट्रायंगल्स हैं, ये जो दो त्रिकोण हैं, इनको एक साथ बनाएंगे। आप देखेंगे कि मैंने हर कपड़े के कॉर्नर्स पे मैंने एक लाइन बनाई है पेंसिल से। एक तरफ, अगर ये वाले में मैंने लिया है क्योंकि ये जोड़ी है, आप किसी एक पे कर लीजिए, दोनों पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने ये भी डिसाइड किया, क्योंकि ये स्ट्राइप्स हैं, कि ध्यान रखूंगी कि मैं हर बार जब मैच करूंगी तो मैं स्ट्राइप्स वर्टिकल रखूंगी, सीधी हॉरिजॉन्टल नहीं रखूंगी, ताकि मेरा पैटर्न उसी तरह से चले। तो अब मैंने ये रखा और ये ऐसे मैंने इसको पिन अप कर दिया सेंटर में। ये लाइन के बिल्कुल मैं सेंटर में चल रही हूँ इस तरह से। जैसे एक रेड लिया, फिर मैंने वही वर्टिकल लेके मैंने फिर से उसी तरह से ये लिया। आप देखिए, मैंने ऐसे उसको पिन करती जा रही हूँ और अब हम इसको सिल देंगे। सिलाई जो हम करेंगे, हम इस लाइन के ऊपर नहीं करेंगे, हम इस लाइन के 1/4 इंच लेफ्ट में और 1/4 इंच राइट में, यानी हम दो लाइनें बनाएंगे। आप चाहो तो उसको भी ड्रॉ कर लो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। एक बार आप 1/4 इंच का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, जो मैंने पहले भी आपको बताया है, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। तो बस आप ये लाइन के इस तरफ एक सिलाई कर दीजिए और एक लाइन के इस तरफ, लाइन से 1/4 इंच पे आप चलेंगे। और इसी तरह से मैं अपने सारे जो हैं, एक उसको निकालूंगी नहीं, पहले मैं सब एक साथ एक साइड को सिल लूंगी। इसको ऐसे घुमा लीजिए और फिर वही 1/4 इंच मत भूलिएगा। अब ये देखिए, दोनों तरफ मेरी सिलाई है और बीच में मैंने जो लाइन ड्रॉ करी थी, और उसी पे आप एक कट दे दीजिए, लॉक द रोटरी कटर। अब ये देखिए, ये आपका रेडी हो गया है। अब जैसे मैंने कहा, आयनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, तो अब हम इसको आयन करके देखेंगे। मैं खोल के कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये जोड़ने में थोड़े इजी हो जाते हैं। तो ये मैंने बैक में कर लिया। अब मैं आगे भी इसको पुश कर लूँगी, ताकि कहीं पे कोई क्रीज ना हो।
ये देखेंगे इसको, ये जो जब हम प्रेस करते हैं और जब हम कपड़ा खोलते हैं तो ये ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, जिसको कान कह लो आप, आपकी कोई बिल्ली या डॉग के कान लगते हैं, कुत्ते के, तो इसलिए इसका नाम ही क्विल्टिंग कम्युनिटी में जो क्विल्टर्स हैं वो इसको डॉग ईयर्स कहते हैं, और वो हमेशा कहेंगे कि ट्रिम द डॉग ईयर्स। तो इसको बस आपने सिर्फ एक कैंची से जो एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको ट्रिम अप कर देना है। ये चार होने चाहिए एक जैसे, टू मेक वन ब्लॉक। तो ये पहला, फिर ये आप इसको कैसे अरेंज करना है वो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। ये देखिए, ये हमारी फिरकी तैयार हो गई। ये ब्लू में है, उसी तरह से हम रेड में कर सकते हैं। हमारे जितने फैब्रिक्स हैं इनमें हमने बहुत ध्यान रखा है कि कोई भी वैसे केमिकल्स ना हो जो हार्मफुल हो, सो दे आर ऑल एज़ो फ्री डाइड प्रोडक्शंस फैब्रिक्स की, ताकि कभी बच्चा कहीं मैट से भी कुछ गिरा हुआ उठा ले तो देर इज़ नो रिस्क टू इट। जब आप इसको सिलेंगे तो आप ये दोनों जैसे अगर उठाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि ये कोने से कोना मिले थोड़ा सा, ताकि अपनी जगह पे रहे। हम इसको पिन अप कर देते हैं। याद रखिएगा जहाँ जिस साइड पे पिन है उसी साइड से आप सिलाई करेंगे, कहीं गलत तरफ से मत करिएगा, और सुई के पास पहुँचने से पहले पिन निकाल दीजिएगा। ये देखिए, अब मैंने दो साइड्स बना लिए तो ये फिरकी तैयार हो गई है। फिर हम इसको प्रेस करेंगे जैसे पहले किया है। अब ये दो जो रेडी हैं, देखिए ये पिन व्हील, मैं इसको, और ये याद रखिएगा जो मैंने आपसे कहा है कि ये जो इंटरसेक्शन है, ये जहाँ पे ये मिलते हैं, ये देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसका ध्यान रखिएगा ताकि सेंटर हमारा बराबर आए। और ये हमारा ब्लॉक तैयार।